हिमांशी राठौर, डिजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ब्राह्मणों का वास, धान मंडी, रतलाम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405348। देश की प्रसिद्ध दवाई फैक्ट्री इप्का में ठेका श्रमिकों को बरगलाकर हड़ताल करवाने वाले नेताजी का असली रूप आया सामने। हड़ताल की अगुवाई कर रहे युवक ने हड़ताल समाप्त करने के लिए कंपनी से मांगे 5 लाख रुपए। वीडियो और ऑडियो कंपनी प्रबंधन द्वारा पुलिस को देने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया प्रकरण दर्ज, युवक को किया गिरफ्तार। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा करेगी मंडल स्तर पर योग शिविर का आयोजन। आयोजन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने की बैठक आयोजित, एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों की भी भाजपा नेताओं को दी जानकारी। रतलाम के एक शख्स ने जीवन रहते ही रोगियों की सेवा कर दिया जीवन, और मृत्यु उपरांत 3 लोगों को जीवन देकर हुआ अमर। सेवा की मिसाल बेमिसाल। रतलाम शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से नगर निगम यातायात व्यवस्था सुधार समिति की बैठक हुई आयोजित। बैठक में एकांकी मार्ग के साथ ही सिटी बस चलाने के लिए तैयार की योजना। इप्का फैक्ट्री में ठेका श्रमिक हित की बात करने वाले व्यक्ति ने फैक्ट्री मैनेजमेंट से आंदोलन समाप्त करने की बात करते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया है। रतलाम की प्रसिद्ध दवा फैक्ट्री इप्का में विगत दिनों एक युवक श्रमिक नेता बनकर पहुंचा था। वहां पर उसने नेतागिरी करते हुए लोगों को संवेदनशील मुद्दों पर बरगला कर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया था। वहीं कुछ ठेका श्रमिक भी उक्त व्यक्ति की बात में आ गए। वहीं जब ठेका श्रमिकों को जैसे जैसे ठेका श्रमिक हित की बात करने वाले व्यक्ति की सच्चाई सामने आई, वैसे वैसे ही उसके साथ ठेका श्रमिकों ने अपनी दूरी बढ़ा ली। ठेका श्रमिकों की दूरी बढ़ते देख ठेका श्रमिक हित की बात करने वाले व्यक्ति ने फैक्ट्री मैनेजमेंट से आंदोलन समाप्त करने की बात करते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। उक्त डिमांड करते हुए उसकी ऑडियो एवं वीडियो फैक्ट्री प्रबंधन ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रंगदारी करने के मामले में उक्त व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जिले के प्रत्येक मंडल में योग शिविर का आयोजन करेगी। भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जिले के प्रत्येक मंडल में योग शिविर का आयोजन करेगी। पार्टी की मोर्चा प्रकोष्ठों द्वारा भी योग शिविर आयोजित होंगे। इनमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। 23 जून को भाजपा के पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति दिवस एवं 6 जुलाई को डॉक्टर मुखर्जी जयंती पर विविध कार्यक्रम होंगे। पार्टी द्वारा इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी संचालित होगा। 25 जून को आपातकाल का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम सभी बूथों पर आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने रंगोली सभागार में भाजपा की कामकाजी बैठक में दी। उन्होंने योग दिवस के शिविर में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अधिक सम्मिलित होने का आह्वान किया और कहा कि पौधारोपण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री मोदी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम रोपित करके कर चुके हैं। जिले में डॉक्टर मुखर्जी के स्मृति दिवस से जयंती तक चलने वाले अभियान में बूथ स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम होंगे। इसमें सभी एक पेड़ माँ के नाम रोपित कर उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित करें। अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान, संगोष्ठी एवं प्लास्टिक
रहित अभियान के कार्यक्रम भी होंगे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री निर्मल कटारिया ने किया। आभार जिला महामंत्री संगीता चारिल ने माना। इस दौरान जिला मंडल मोर्चा व प्रकोष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। तीनों लोकसभा मतलब आज तक के इतिहास में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर कांग्रेस का जीता हो या भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद पहले जीते होंगे, लेकिन सर्वाधिक मतों से 2,08,000 मतों से हम पहली बार लोकसभा अलीराजपुर और झाबुआ की जीते हैं। इसी प्रकार जावरा और मंदसौर की लोकसभा हम 5.5 लाख से जीते हैं। तो ये भी जावरा का विधानसभा के भी सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ आलोट विधानसभा भी हमने 3.5 लाख ऊपर वोटों से जीती है और सभी ने मतलब एक तरफा परचम 29 की 29 मध्य प्रदेश की सीटें आई। हमने कल मुख्यमंत्री जी को भोपाल में बैठक थी, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को और बाकी सब वरिष्ठ जनों को हार्दिक बधाई दी कि मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि 29 की 29 सीट हमने विजयश्री हासिल करी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के हम नीचे के कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, मंडल की पूरी टीम, जिले की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना और बधाई कि आपके कारण रतलाम जिले में तीनों के तीनों और हम 5 विधानसभा में से। एक शख्स ऐसा था जो जीते जी तो मानव सेवा करता रहा और मृत्यु उपरांत 3 लोगों को जीवन देकर अमर हो गया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने जीवन काल में रोगियों की सेवा करते हैं और उनको जीवन देते हैं। वहीं एक शख्स ऐसा भी था जिसे जीवन काल में तो रोगियों की सेवा करते हुए उनको जीवन दिया, वहीं मृत्यु उपरांत भी 3 लोगों को जीवन देकर अमर हो गया। रतलाम निवासी मांगेलाल पटवारी के पुत्र प्रकाश परिहार के पुत्र गगन वर्मा, राघव वर्मा, माधव परिहार के छोटे भाई व राधे परिहार के बड़े भाई अलकापुरी निवासी यथार्थ परिहार दाऊ का निधन हो गया। दाऊ की शादी को 14 जून को मात्र 2 महीने ही हुए थे और उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं निकली थी कि हादसा घटित हो गया। यथार्थ डायलिसिस टेक्नीशियन था और डायलिसिस के माध्यम से मानव सेवा के पद पर अग्रसर था। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अगर उसको कॉल आता था तब भी वह सेवा के लिए तत्पर रहता था और सेवा के लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता था। छत से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से वडोदरा रेफर किया गया। वडोदरा के पारुल सेवा आश्रम मेडिकल महाविद्यालय के अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर जीवन और मृत्यु के बीच करीब 15 दिनों तक संघर्ष करते हुए 16 जून को निधन हो गया। दुखद निधन के बाद यथार्थ के पिता प्रकाश परिहार ने पुत्र की मौत जैसा वज्रपात होने के बाद अंगदान करने का साहसिक निर्णय लिया। डॉक्टरों की टीम ने हृदय व दोनों नेत्रों उत्सर्जित किए। चूंकि आईसीयू में 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के कारण दोनों किडनियां प्रत्यारोपण के योग्य नहीं होने के कारण वह नहीं ली जा सकी। पारुल अस्पताल प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हार्ट को प्रत्यारोपण के लिए तुरंत अहमदाबाद भेजा गया। परिहार परिवार के घर का चिराग जीते जी डायलिसिस के माध्यम से कई जाने बचाता रहा और निधन के बाद भी 3 घरों के चिराग अंगदान के माध्यम से रोशन कर गया। કિસ્સો બન્યો છે અને યથાર્થ નામના દર્દી જે રતલામના રહેવાસી છે એ અમારા ત્યાં થોડા દિવસોથી એડમિટ હતા, પણ છેલ્લા 2 દિવસથી હી પ્રોગ્રેસ ટુવર્ડ બ્રેઇન ડેડ અને અમારા ન્યુરોસર્જન અને ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ ટીમે એમને સમજાવ્યું ઓર્ગન ડોનેશન માટે અને દર્દીના પિતા પોતે ડાયાલિસિસ ટેકનિશિયન હતા એટલે એ ખૂબ સારી રીતે સમજી શકતા હતા કે ઓર્ગન ડોનેશન શું છે, એટલે સમજાવવામાં અને એમને કન્વિન્સ કરવામાં અમને બહુ તકલીફ ના પડી અને આજે એમનું ઓર્ગન ડોનેશન શક્ય બન્યું છે અને એમનું હાર્ટ અને આંખ બંનેનું અંગદાન થયું છે અને અમદાવાદથી ટીમ આવીને હાર્ટ રિટ્રાઈવ કરીને લઈ ગઈ છે
અને હવે આ દર્દી બીજા પેશન્ટના શરીરમાં જીવશે અને પરિવાર લોકોને એ સાંત્વના રહેશે કે એમનો પુત્ર બીજા કોઈના શરીરમાં પણ જીવી શકશે. અને જનરલ પબ્લિકને મારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે મેક્સિમમ આ વસ્તુનો પ્રચાર થાય અને જેટલા પણ કિસ્સાઓ અંગદાનના વધારે ને વધારે બની શકે એનાથી સમાજને જ ફાયદો થશે. થેન્ક યુ. સૌથી પહેલાં તો પરિહાર ફેમિલીનું મારી ને મારી ટીમ વતી આભાર માનું છું કે જેમણે આ મોટું યોગદાન આપ્યું સોસાયટીને અને ઓર્ગન ડોનેશનના કાર્યને સંપૂર્ણ કર્યું. क्या आपको या किसी परिचित को स्तन में गांठ है? गांठ जैसा या स्तन में दर्द होता है, निप्पल से खून या पानी निकलता है. स्तन या निप्पल का आकार हाल ही बदल गया है. स्तन की त्वचा में कोई बदलाव है? बगल या गले में गांठ है? स्तन कैंसर की शंका दूर करना चाहते हैं? स्तन की जांच करवाना चाहते हैं? आप मेमोग्राफी या बायोप्सी करवाना चाहते हैं? स्तनपान मार्गदर्शन चाहते हैं? स्तन संबंधी किसी भी समस्या से परेशान है तो तुरंत मिले स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन से डॉक्टर स्मिता शर्मा स्तन रोग क्लिनिक श्रद्धा हॉस्पिटल. इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड मान्य, ब्रेस्ट कॉन्सर्वेशन सर्जरी ऑन्कोप्लास्टी की सुविधा, महिला स्टाफ द्वारा डिजिटल एक्सरे मैमोग्राफी. प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की संपर्क करें 07412405348. एडवांस डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, जहां पर उपलब्ध सुविधाएं सड़े हुए दांतों ताड़ों को बिना दर्द के निकालना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंपोर्ट कर नए दांत लगाना, बिना दर्द के दांतों की सफाई, पायरिया संबंधी इलाज, दांतों में पक्का मसाला भरना, इम्प्लांट कर फिक्स पत्ती सी लगाना, सभी प्रकार के फिक्स्ड दांत व फोल्डिंग दांत बनाए जाते हैं. चांदी और सोने जैसे दिखने वाले दांतों को सही कर पुनः निर्मित करना, जबड़े के अंदर के दांतों का इलाज, तंबाकू की वजह से मुंह ना खुलने वाली बीमारी का इलाज, दांतों को सफेद करना, अक्कल दाढ़ का बिना निकाले इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज ब्रेसेस द्वारा किया जाता है. दांतों से संबंधित सभी प्रकार के फोटो व एक्सरे किए जाते हैं. दांतों की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर पूनम मिश्रा. क्लिनिक संचालन आशुतोष चौहान. पता एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शास्त्री नगर, साकेत अपार्टमेंट, सब्जी मंडी के पीछे वाले गेट के सामने, रतलाम. फोन 400877. निगम यातायात एवं परिवहन सलाहकार समिति की बैठक समिति प्रभारी श्रीमती सपना त्रिपाठी की अध्यक्षता में आहूत हुई. बैठक में सिटी बस संचालन हेतु रोड में बनाने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अनुशंसा की गई. शहर के अव्यवस्थित यातायात की वजह से जहां शहर वासियों को आए दिन मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वहीं शहर के प्रमुख मार्ग अतिक्रमण से पटे पड़े हैं. वहीं शहर का निरंतर विस्तार भी हो रहा है, ऐसे में शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत सामने आने लगी है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा अब शहर के विभिन्न मार्गों पर आमजन को सुलभ यातायात मिल सके उसके लिए सिटी बस चलाने का निर्णय लिया गया है.
महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार यातायात एवं परिवहन सलाहकार समिति की बैठक समिति प्रभारी श्रीमती सपना त्रिपाठी की अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक में सिटी बस संचालन हेतु रोड में बनाने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अनुशंसा की गई। आयोजित बैठक में शहर में आवागमन हेतु सिटी बस संचालन आवश्यक है, इस हेतु पूर्व से ही रोड में तैयार किया जाए ताकि आगामी समय में किसी प्रकार की परेशानी न उत्पन्न हो, साथ ही यह भी अनुशंसा की गई। साथ ही शहर की पार्किंग व्यवस्था को सुधार किए जाने, चांदनी चौक में मल्टी लेवल पार्किंग तथा वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था किए जाने हेतु कार्रवाई की भी समिति द्वारा अनुशंसा की गई। वहीं बैठक में तय किया गया कि रिक्शा ई रिक्शा चालकों किराया सूची तय किए जाए ताकि कोई भी मनमाने तरीके से नागरिकों से किराया वसूल ना कर सके। आयोजित बैठक में समिति प्रभारी श्रीमती सपना त्रिपाठी के अलावा समिति सदस्य योगेश पापटवाल, श्रीमती देवश्री पुरोहित, श्रीमती आयुषी सांखला, श्रीमती प्रीति कसेरा, श्रीमती केसरबाई समिति आदि उपस्थित रहे। जवाहर नगर चारबत्ती स्थित मां पद्मावती माता मंदिर प्रांगण में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हुआ। जवाहर नगर चारबत्ती स्थित मां पद्मावती माता मंदिर प्रांगण में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हुआ। कथा के विश्राम दिवस के अवसर पर कथावाचक राष्ट्रीय संत श्री राजेश्वर जी महाराज विठल आश्रम बड़नगर का शॉल श्रीफल एवं पुष्पहारों से पूर्व पार्षद राजीव रावत मित्र मंडल द्वारा सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। फाउंडेशन द्वारा रतलाम एक रोजा जश्न समन दीवान का आयोजन हुआ। इस मुबारक मौके पर सर्वधर्म विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। हजरत दादा खुदा सैयद दरगाह परिसर पर चादर पेश करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वर्ष में 6 बार निशुल्क विवाह करवाए जाने वाले एसएमओ फाउंडेशन के सैयद आवेश अली ने जानकारी देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह में आए हुए वरिष्ठ जनों का साफा बांधकर स्वागत सत्कार किया। एसएमओ फाउंडेशन द्वारा सर्वधर्म सभा सम्मेलन में 13 जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें 6 हिंदू समाज के जोड़ों ने एवं 7 मुस्लिम जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। विवाह के पश्चात उपहार स्वरूप एसएमओ फाउंडेशन ने गृहस्थी का सामान भेंट किया। इस मौके पर विवाह में आए हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों के शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। शहर में हजरत दादा खुदा सैयद दरगाह पर एक ही मंडप के नीचे हिंदू मुस्लिम जोड़ों का विवाह हुआ। हिंदू जोड़े जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि के फेरे ले रहे थे, वहीं मौलाना हाफिज द्वारा निकाह पढ़वाया गया। हिंदू समाज के अधिकांश जोड़े रतलाम पलसोड़ी रतलाम जिले से एवं साथ ही धार झाबुआ मंदसौर नीमच जावरा देवास उज्जैन से आए हुए थे। यह सामूहिक विवाह पंडित संजय शिवशंकर दवे एवं मौलाना हाफिज द्वारा करवाया गया। सम्मेलन शादी समारोह रखा गया, 4,000 लोग पब्लिक है, 4-5 हजार लोग पब्लिक है। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भंडारा रहा, इसमें खाना वगैरह भी अच्छा और बहुत अच्छा रहा। इसमें एसएमओ फाउंडेशन द्वारा रखा गया था यहाँ पर, अवेश मेटल एंड पावर द्वारा रखा गया था यहाँ पर कार्यक्रम, और साल में 6 सम्मेलन होते हैं यहाँ पर। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। The
देश की प्रसिद्ध दवाई फैक्ट्री इप्का में ठेका श्रमिकों को बरगलाकर हड़ताल करवाने वाले नेताजी का असली रूप आया सामने। हड़ताल की अगुवाई कर रहे युवक ने हड़ताल समाप्त करने के लिए कंपनी से मांगे 5 लाख रुपए। वीडियो और ऑडियो कंपनी प्रबंधन द्वारा पुलिस को देने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया प्रकरण दर्ज, युवक को किया गिरफ्तार। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा करेगी मंडल स्तर पर योग शिविर का आयोजन। आयोजन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने की बैठक आयोजित एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों की भी भाजपा नेताओं को दी जानकारी। रतलाम के एक शख्स ने जीवन रहते ही रोगियों की सेवा कर दिया जीवन और मृत्यु उपरांत 3 लोगों को जीवन देकर हुआ अमर, सेवा की मिसाल बेमिसाल। रतलाम शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से नगर निगम यातायात व्यवस्था सुधार समिति की बैठक हुई आयोजित। बैठक में एकांकी मार्ग के साथ ही सिटी बस चलाने के लिए तैयार की योजना।